चैनल पे। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं डेटा वंडरर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं केदारनाथ बाबा की यात्रा। तो चलिए, तो अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30 और हम निकल चुके हैं अपने अगले सफ़र के लिए, जो कि है केदारनाथ बाबा के दर्शन। तो अभी हम यहाँ पे हैं सोनप्रयाग में। अगर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, जैसे कि स्वेटर, मफलर या सॉक्स वगैरह, यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। बट यहाँ पे वही है कि प्राइस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, तो आपको एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप खुद से सामान अपने पास पर्सनली रख लें, तो वही बेटर। ये जो अभी लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है रजिस्ट्रेशन की। आप चाहे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यूअर्स। बट हमने यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि हमारा कुछ प्लान नहीं था। सडनली हमारा प्लान बन गया केदारनाथ जाने का, और फिर हमने वहीं पे जाके रजिस्ट्रेशन करना सही समझा। तो अभी हम यहाँ पे लाइन में लगे, देखते और कितना टाइम लगता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए। लाइन है टैक्सी की रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे कुछ दूर तक वो लोग आपको छोड़ देते, जो इसका प्राइस रहता है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और यह जो प्राइस है ये फिक्स रहता है। आप यहाँ पे कोई भी भावताव अगर नहीं कर सकते, आपको उतना देना ही पड़ेगा। अभी हम जहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रहे थे, वहीं पे एक अंकल का मोबाइल छूट गया, तो हम वही मोबाइल को वापस कर रहे हैं। और अभी देखिए ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल। हमने जब केदारनाथ का पूरा यात्रा किया तो लगभग हमने 8 से 10 वाटरफॉल दिखे। और सबसे बेस्ट पार्ट इस ट्रैक की थी वो कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे दिखेंगे, ये देखिए। और जो नज़ारे के साथ साथ जो वाइब है यहाँ की, वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही एन्जॉयमेंट होता है यहाँ पे। तो अभी हम जहाँ पे चल रहे थे उसी ट्रैक पे बारिश चालू हो चुकी है, और जो बारिश के साथ साथ जो वैली के नज़ारे और जो खूबसूरती है, वो और भी ज़्यादा निखर के आ चुकी है। और उसी के साथ साथ जो वाटरफॉल दिख रहे हैं, वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। अभी आप जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन पुल देख रहे हैं ना, ये काफ़ी हद तक हमारा समय और रास्ता दोनों बचाने वाला है। क्योंकि अब जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़िगज़ैग पैटर्न में हमें ट्रैवल करना पड़ता है, बट जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो हमारा बहुत ही ज़्यादा समय बच जाएगा।
जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने एक स्नोफॉल की पहाड़ आ चुकी है, और उसी के साथ साथ ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल से पूरे स्नोफॉल की पहाड़ हमें दिखना चालू हो चुकी है। बट इसी के साथ साथ जो ठंडी है ना वो भी बढ़ती चली जा रही है। बट जो उसी के साथ साथ जो देखने का व्यू है और जो मज़ा है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो इस व्यू के साथ हम ठंडी भी एडजस्ट कर लेंगे भाई। हमारा व्लॉग यही तक था, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। और हमें नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे केदारनाथ बाबा के दर्शन और वहाँ के और भी खूबसूरत नज़ारे। तो इसी के साथ साथ हम यहाँ पे अपना व्लॉग को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारा व्लॉग यहाँ तक देखा। तो इसी के साथ साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।